केली एक पाइप में छिपी हुई है और उसके नीचे एक भूखा शेर है। वो खुद को नीचे फिसलने से बचाने के लिए अपने हाथ और पैर दीवार से लगा लेती है और शेर अनजान है कि वो ऊपर पाइप में छिपी हुई है। अचानक उसका फोन फर्श पर बजता है, ये पुलिस है, लेकिन शेर जल्दी से उसे तोड़ देता है। उसके हाथ और पैर फिसल जाते हैं और वो लगभग गिर जाती है। तभी उसका पसीना पाइप से फिसलता है और नीचे फर्श पर गिर जाता है। शेर आकर्षित होकर पसीने को चाटता है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे केली दिख जाती है। मौत के घाट पर लटकी केली में काफी शक्ति आ जाती है और आखिरकार पाइप से दूसरी मंजिल पर चढ़ने में सफल हो जाती है। वो जोर से सांस लेती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अचानक वो अपने बगल में किसी को पाती है, यह उसका भाई टॉम है। वो टॉम को अपने कमरे में ले जाती है और फिर मदद पाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। शेर अंदर आ रहा है, वो अपना परफ्यूम को चारों ओर बिखेरती है, फिर अपने भाई के साथ बिस्तर के नीचे छिप जाती है। शेर अंदर घुस जाता है और परफ्यूम की खुशबू की वजह से वो उन्हें सूंघ नहीं पाता। फिर शेर बिस्तर पर कूद जाता है और वे बहुत डर जाते हैं। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो जाता है। उन्हें नहीं पता कि शेर अभी भी कमरे में है या नहीं।